ब्रह्मचर्या में हिंसा प्रवृत्ति मूल है, इसीलिए घर में शुद्ध भोजन बनाएं और हिंसा से बचें। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो देखिए, इसका नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो। मैंने अभी इसको रोल का नाम दिया है। तो देखिए, ये बहुत ही हेल्दी है, बिना तेल में बनेंगे, बहुत ही कम तेल, जो अगर हम डालना भी चाहेंगे तो बहुत ही कम तेल में ये बन जाएंगे और बहुत ही हेल्दी बनेगा नाश्ता। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। हमें आटा लगाने के लिए चाहिए गेहूं का आटा। यहाँ हमने एक कप के करीब में गेहूं का आटा लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और आधी चम्मच के करीब हमने डाली है अजवाइन। इसमें हम थोड़ा सा मोइन डाल के इसका आटा लगा लेंगे, जिस तरीके से हम पराठे का आटा लगाते हैं। इसको एक साइड में रख देंगे। उसके बाद अभी मटर का सीज़न है, तो हमने थोड़ी सी मटर ली है। मटर में थोड़े से हमने मसाले डाले हैं, हल्के हल्के ही डालना है, ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। और हरी मिर्ची के साथ इसका हमने एक अच्छा महीन पेस्ट बना लिया है। और थोड़े से आटे में हम इसको गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो हमने मटर को पीसी है इसमें जितना आटा समा जाएगा हम उतना ले लेंगे, और आवश्यकता लगी तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। एक कटोरी के करीब हमने इसमें गेहूं का आटा लिया है, और एक कटोरी के करीब हमने यहाँ पे मटर ली है। अब देखिए, आपके पास दूसरी भी कोई वेजिटेबल हो तो आप उसका भी इस तरीके से पल्प बना के डाल सकते हैं। अभी मटर का सीज़न है इसलिए मैंने यहाँ पे मटर ली है। तो देखिए, ये हमारा आटा इस तरीके से लग के तैयार हो जाएगा। दोनों हमने लगाए हैं, गेहूं का आटा भी लगा लिया और हमने मटर का आटा भी लगा लिया, तो इससे थोड़ा सा ग्रीन वाला लुक आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा आटा बन के तैयार होगा। हम इसको थोड़ी सी देर अब रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले के लिए मैंने इस बार लौकी को भी ट्राई किया है। थोड़ी सी लौकी हम कद्दूकस करके रखेंगे। आप दूसरी भी वेजिटेबल का प्रयोग स्टफिंग के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी कप के करीब में ही बेसन लिया है, जो चने का आटा कहते हैं, और मसालों में लिया है जीरा, सौंफ, अजवाइन, लाल मिर्ची, धना पाउडर और हमारा सेंधा नमक। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला भी लिया है। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला ले लें। देखिए, मेरा यहाँ पर बेसन जो है वो एक कटोरी के करीब है, मतलब थोड़ा ही है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े से आधी आधी चम्मच मसालों का प्रयोग किया है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मसाला डालेंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जितना आपको इसमें आवश्यकता लगती है बस उतना ही डालें। मिर्ची ऑप्शनल है, आप जितनी चाहे वैसी डालें। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अभी मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके फिर आपको आगे बताती हूँ। देखिए, ये मेरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। जैसे आपने पात्रे बनाए होंगे, पात्रे में जिस तरीके से हम अंदर बेसन का यूज़ करते हैं, अपने सेम उसी तरीके से इसका बेसन हमें रखना है। और भी आपने मेरे इस वीडियो इस चैनल पर ही एक और वीडियो आपको शेयर किया है नाश्ते का, वो भी आपको उसी तरीके से बनेगा। देखिए, मैंने यहाँ इसमें थोड़ी सी लौकी डाली है। अगर आपको दूसरी वेजिटेबल डालना हो, मटर के भी दाने अगर इसमें पीस के डालना है तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी मैं एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही चीज़ से कर रही हूँ कि यदि हमारे पास दूसरी वेजिटेबल ना हो तो भी हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बाकी वेजिटेबल डालना तो आपके ऊपर ऑप्शनल है। हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी प्रयोग किया है। यदि आपके पास अमचूर पाउडर ना अवेलेबल हो तो आप नींबू का रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। मैंने यहाँ पे कच्चा बेसन लिया है। वैसे तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा बेसन सेक के भी मिला सकते हैं। मैंने दो तरह से आज इसको ट्राई कर रही हूँ। एक में मैं थोड़ा सा सिका हुआ बेसन डाल रही हूँ और एक में मैंने कच्चा बेसन डाला है। जैसे अभी आपने देखा, मैंने कच्चा बेसन डाला है, इसमें मैंने सिका हुआ बेसन डाला है और बाकी सारे वही मसाले हमारे इसमें डाल के हम इसका एक मसाला तैयार करके रखेंगे। जिस तरीके से हम लौकी की मुठिया बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, उस तरीके से ही हमें इसका भी मसाला तैयार करना है। तो देखिए, हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको मसाले उसके अनुसार थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, और कम क्वांटिटी में आप इसमें आधी आधी चम्मच भी डालेंगे छोटी वाली तो प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा आटा सेट हो चुका है,
अभी हमने दोनों के एक एक गोले बनाए और इस तरीके से हम एक के ऊपर एक रख कर इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा पॉलीथिन लगाएंगे तो ये अच्छे से बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बनने के बाद उसके बाद हम इसके रोल बनाएंगे। तो देखिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा। आप इसको बहुत ज़्यादा पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ही थिक करना है आपको, और इसको रोल बना लेंगे हम अच्छी तरीके से। और देखिए इस तरीके से लंबा रोल बनाने के बाद इसके हम छोटे 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 पीस बना लेंगे, जिसे हम शक्कर पारे मठरी बनाते हैं दो कलर वाली, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और इसको हम साइड से इस तरीके से चपटा कर लेंगे और बस इसको हम थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे पूरियों की तरह। ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना है, थोड़ा सा पूरी की तरह बनाएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका कलर भी दिख रहा है जैसे आपको अच्छा दिख रहा है चक्र की तरह, और साथ में इसका टेस्ट भी आएगा, प्लेन आटा नहीं लगेगा, इसमें जो हमारा मटर का मसाला है उसका भी थोड़ा सा टेस्ट आएगा। तो हम इस तरीके से अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे आपने देखा कि इसमें मैंने अंदर मसाला डाला है, थोड़ा सा जो हमारा स्टफिंग बनाई है हमने, और इसको हमने इस तरीके से पोटली की तरह मसाला डाल के इसको हमने इस तरह पैक किया है। तो देखिए इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। बहुत अगर आपका थोड़ा खुला भी रह जाए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे तलना भी नहीं है और ना ही इसको बॉईल करना है, स्टीम करना है। तो स्टीम करने में इसमें से मसाला बाहर नहीं आएगा तो चल जाएगा। देखिए ये इस तरीके से दो कलर में अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसका मैंने लुक चेंज किया ऐसा। तो बस ऐसे फैला के आप बना लें जितने आपको बनाना हो। और जैसे आपने मोमोज का मेरा वीडियोस देखा होगा, इसमें उसमें हमने पानी में बॉईल किया है, अब इसको हम स्टीम करेंगे। अब देखिए जो हमारा मसाला बना है वो मसाला हम इस तरीके से बीच में रख के इसको गुजिया का शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुजिया का शेप भी दिया है, बस मसाला इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, बहुत कम मसाला नहीं रखना है। गुजिया जो हमने बनाई थी यानी मोमोज, उसमें थोड़ा सा कम मसाला रखा था क्योंकि वो पानी में फूलती है और फिर फूट जाती है। इसे हम स्टीम करेंगे इसलिए हम इसमें ज़्यादा मसाला रखेंगे, और जो हमारा गुजिया बनाने का कटर होता है उससे हम इसके एक्स्ट्रा वाला भाग बाहर कर देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाला भाग जब स्टीम होता है तो वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। अभी हमने एक पैन में पानी लिया है, आपके पास अगर इस तरीके का इडली वाला स्टीमर हो तो भी आप ले सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कढ़ाई में पानी रखें, और जो हमारी छन्नी होती है सब्जियाँ धोने वाली उसमें भी आप इस तरीके से रख सकते हो। तो सारा उसमें जमा के पानी बॉयल होने के बाद हम इसको रख देंगे। हम इसे 10 से 20 मिनट तक स्टीम करेंगे, हमें इसे तलना नहीं है, बॉयल नहीं करना है, इसे हमें स्टीम करना है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी तेल की ज़रूरत नहीं लगेगी। और देखिए ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाकू लगा कर देख सकते हैं, ये अंदर से भी अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। जैसे आपको कई बार लग रहा होगा कि इसमें सूखा हमने कच्चा वाला बेसन डाला है तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देख सकते हो ये मैंने स्टीम करने के बाद इसकी छोटे छोटे से हमने कट कर लिए हैं इसको, ताकि ये दिखने में भी अच्छे दिखेंगे और खाने में भी अच्छे से लगेंगे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं लगता है। तो देखिए उसके बाद आप चाहें तो उसे ऐसे ही चटनियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा सा तड़का डाला है जिसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा और तिल के दाने डाले हैं मैंने बहुत ही कम तेल में। तो देखिए ये इस तरीके से आराम से अच्छा सॉफ्ट भी है और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टीम होने के कारण ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और एक और मैं आपको इसमें ही आइडिया बताती हूँ, जो हमने ये मसाला बैटर बनाया है ना बेसन वाला, यदि आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा हमारा जैन खार डाल सकते हैं, और हल्का सा ही इसको ऊपर से गरम तेल डाल के और आप प्लेट में रख देंगे नीचे से तेल लगा के, और वो पूरी प्लेट की प्लेट अकेले मसाले को भी स्टीम करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। वो स्टीम होने के बाद आप उसकी स्लाइस काट लो जिस तरीके से हम बर्फ़ी की स्लाइस काटते हैं, और बस जिस तरीके से मैंने ये फ्राई किया आप वैसे ही उसको फ्राई कर सकते हो जैसे हम खमंड को फ्राई करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और नाश्ता हेल्दी होने के साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन भी हमारा प्रसन्न रहता है। तो इस तरीके से आप नाश्ता अपने हिसाब से नए नए नाश्ते बना सकते हैं। तो लीजिए तैयार है आपके लिए वेजिटेबल हेल्दी रोल। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें बहुत सारे मसालों का प्रयोग नहीं किया है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग करने से भी कोई टेस्ट नहीं आता है, बस आपका बनाने का स्टाइल होना चाहिए, उसमें नेचुरल टेस्ट आना चाहिए, तो आपका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।
इसी तरीके से घर में हम शुद्ध भोजन बनाए तो उससे हमारा तन और मन प्रसन्न रहता है, और मर्यादित भोजन करने से ऊर्जा बॉडी को अधिक मिलती है। इसीलिए घर में शुद्ध और ताज़ा भोजन करना चाहिए मर्यादा के अनुसार। तो आपको हमारे इस चैनल पे इसी तरीके और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जिनेंद्र।